अस्सलाम वालेकुम टुडे आवर टॉपिक इज़ लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से लेवल्स हैं इसमें डिफरेंट लेवल हैं जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम मोलिक्यूल्स ऑर्गेनली सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम इंडिविजुअल पॉपुलेशन कम्युनिटी एंड बायोस्पियर अब हम सीक्वेंस से सारे इन लेवल्स को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले है अटोमिक एंड सब लेवल। इसमें एक मेन वर्ड है ऐटम ऐटम में एक न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इसमें फोर शेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस सेंटर में प्रजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये स्ट्रक्चर है एटम का इसी तरह एटम हाइड्रोजन का भी एटम हो सकता है ऑक्सीजन एक एटम है तो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल इसमें ये बताया हुआ है कि एटम क्या है एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं फिर नेक्स्ट लेवल है मोलिकुलर लेवल मोलिक्यूल कैसे बनता है बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम जब एटम कंबाइन होते हैं जैसे हाइड्रोजन एक एटम है ऑक्सीजन एक एटम है अगर इन दोनों को कंबाइन कर लें तो क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल बन जाएगा अब मॉलिक्यूल के आगे दो टाइप्स हैं एक इसकी टाइप है माइक्रो मॉलिक्यूल और एक है मैक्रो मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो हो या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जिसका मैस छोटा हो जिस तरह वाटर वाटर में देखें इसका फार्मूला एच टू लेकिन मैक्रो मोलिक्यूल क्या होता है जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा हो अब इसमें देखिए आप सिक्स कार्बन हैं ट्वेल्व हाइड्रोजन्स हैं और ऑक्सीजन सिक्स हैं तो इसका जो वेट होगा वो वाटर से ज़्यादा होगा क्योंकि वाटर के पास सिर्फ दो तो हाइड्रोजन्स हैं और एक ऑक्सीजन है तो माइक्रोमीन जिस लो जिसका मोलिकुलर वेट लो होगा और मैक्रो क्या होते हैं वो मोलिक्यूल जिनका वेट ज़्यादा होगा इसी तरह हम मोलिक्यूल्स को डिवाइड करते हैं फर्दर ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स में और इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स में ऑर्गेनिक जैसे आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी तरह मतलब ऑर्गेनिक में हम सिर्फ दो चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं कार्बन के बारे में और हाइड्रोजन में तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जिनमें हो और हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो और बाकी कोई भी हमारे पास एलिमेंट हो सकता है लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नेक्स्ट इसका लेवल है सेल एंड ऑर्गेनैली सेल क्या होता है अब सेल और एटम ये दोनों सेम नहीं है सेल जो है ये अलेव होता है फ्ट कैसे होता है कि आ, आप इससे कह लें कि जो एटम है वो हर नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होगा लेकिन जो सेल है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगा जैसे ह्यूमन बींग्स में और प्लांट्स में एनिमल्स में सेल प्रेजेंट होगा अब नॉन लिविंग में सेल प्रेजेंट नहीं होता जिस तरह एटम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसी तरह सेल के भी अपने पार्ट्स होते हैं जैसे न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया ये सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सेल के अब प्लांट एनिमल और ह्यूमन बीन्स में तो बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं लेकिन अगर हम बैक्टीरिया पोटिस की बात करते हैं तो उनमें सिर्फ एक सेल होता है इस तरह हम क्या करते हैं कि हम सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एक यूनीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यूनी का मतलब होता है सिंगल जिसमें एक सेल हो मल्टी मीन मैनी एंड सेलुलर मीन सेल्स जिसमें बहुत सारे सेल्स हों वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्लांट एनिमल्स ह्यूमन बीनस जिसमें एक सेल हो वो क्या होता है यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम जैसे बैक्टीरिया इसमें सिर्फ एक सेल होता है फर्दर हम सेल्स को डिवाइड करते हैं प्रोक्रियोटिक सेल्स में और यूक्रियोटिक सेल में प्रोक्रियोटिक सेल क्या होता है कि वो सेल जिसमें न्यूक्लियस ना हो जैसे बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन यूक्रियोटिक सेल्स क्या होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है जैसे प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों में न्यूक्लियस होता है उनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है नेक्स्ट लेवल है टिश्यू टिशू क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल्स सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं अब डिफरेंट टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में डिफरेंट टिश्यूज होते हैं एनिमल्स में डिफरेंट टिश्यूज होते हैं ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट टिश्यूज होते हैं लेकिन नर्वस टिश्यू मसल टिश्यू ये दोनों एनिमल uh, में हो सकते हैं अब नर्वस टिश्यू जो है वो हमारा ब्रेन के लिए स्पाइनल कोर्ट के लिए होता है ये सिग्नल्स देता है जैसे हम uh, किसी भी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो उसी उसी टाइम हमारा जो हाथ है वो उठ जाता है इस तरह मतलब ये जो नर्वस टिश्यू है ये सिग्नल्स देता है ब्रेन इसी तरह ब्रेन हमारा उस वर्क करता है इसी तरह मसल टिशू मसल टिशू जिस तरह हार्ट के अपने टिशूज़ हैं स्केलेटल टिशूज़ होते हैं इनका अपना फ़ंक्शन होता है नर्वस टिशूज़ की तरह मसल्स टिशू का भी फंक्शन होता है इसके अलावा और भी डिफरेंट टिशूज़ होते हैं नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल ऑर्गन लेवल क्या होता है ऑर्गन ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मतलब टिशोज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन यहाँ पे हम ये है हमारे पास लंग्स ब्रेन और ये हैं लंग्स ये ऑर्गन है तीनों ऑर्गन ब्रेन एक ऑर्गन है लंग्स एक ऑर्गन है लीवर एक लिवर एक ऑर्गन है अब टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बना रहे हैं मतलब इस और ये एक पूरा ऑर्गन है इसके अंदर टिश्यूज़ हैं और टिश्यूज़ कैसे बने सेल से बने इसी तरह ये पूरा ऑर्गन है और टिश्यू से मिल ये ऑर्गन बने इसी तरह ये अब ये ऑर्गन जो है इसमें क्या है कि जैसे लीवर का अपना फंक्शन है लंग्स का अपना फंक्शन है कि ऑक्सीजन इसने अब्ज़ॉर्ब करनी है और सारा इसका वर्क हमारा सांस लेने से इसी तरह ब्रेन ब्रेन मैसेज देता है और इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो सारा हर ऑर्गन का अपना फंक्शन है और लिवर का भी अपना फंक्शन है जैसे ये ब्लड फिल्टर करता है अब ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स डैट वर्क टूगेदर टू परफॉर्म फंक्शंस इसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम अब ऑर्गन सिस्टम कैसे होता है कि इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स मिल के काम करते हैं जैसे एक पूरा सिस्टम बन जाता है नसल कैविटी मतलब हम सांस लेते हैं नोज से अब नोज़ से ऑक्सीजन अंदर जाती है लेरिंग्स में जाती है और फिर लंग्स में जाती है ये एक पूरा जो है वो सिस्टम होता है ये पूरा सिस्टम इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम ये सिस्टम यहाँ पे रेस्परेटरी सिस्टम है इसके अलावा और भी डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं बॉडी में और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है ऑर्गन्स मिलके के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं अब नेक्स्ट लेवल कौन सा है इंडिविजुअल लेवल इंडिविजुअल लेवल कैसे बनते हैं जब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों कंबाइन होते हैं तो एक इंडिविजुअल बन जाता है इंडिविजुअल क्या एक पूरा ह्यूमन बीइंग एक इंडिविजुअल है इसमें इस तरह एग्जाम्पल आ जाती है कि हमारी हर चीज़ जो है वो एक सीक्वेंस कंटिन्यूस काम करती है जैसे मैन एक्सरसाइज करा है उसके सिर्फ मसल्स वर्क नहीं कर रहे वो रेस्पायर भी कर रहा है उसकी रेस्परेशन भी तेज़ होती है उसकी हार्ट रेट हार्ट बीट भी इंक्रीज़ होती है तो इंडिविजुअल लेवल क्या होता है कि हम एक एक ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल है इसके बाद इसका नेक्स्ट लेवल है पापुलेशन लेवल पापुलेशन क्या होता है कि इसमें सिर्फ अगर हम एक चीज़ की बात करते हैं हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं जैसे सेवनटीन फिफ्टी में फाइव मिलियन पीपल थे एटीन फिफ्टी में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मिलियन हो गए 1950 में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्व मिलियन हो गए तो क्या हो रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है अब सिर्फ ह्यूमन बींगस की पॉपुलेशन ही ले सकते हम इस तरह भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सेवनटीन फिफ्टी में पॉपुलेशन लॉइंस की इतनी है फिर लॉइंस की इतनी रहेगी फिर इतनी रहेगी हम किसी भी स्पीशी की पॉपुलेशन ले सकते हैं हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी डेट लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया एट द सेम टाइम सेम स्पीशी जैसे ह्यूमन बींस क्या हैं एक सेम स्पीशी है यहाँ पे जो हमने एग्जांपल ली ह्यूमन बींस के लिए अब ये एक सेम स्पीशी है इसके अलावा हम कोई भी स्पीशी ले सकते हैं कोई एनिमल की ले सकते हैं किसी प्लांट की ले सकते हैं कि उसकी कितनी पॉपुलेशन है तो सेम स्पीशी की पापुलेशन ये आ जाती है पापुलेशन लेवल में नेक्स्ट लेवल है कम्युनिटी लेवल कम्युनिटी क्या होता है कि पापुलेशन का ग्रुप होता है अब पॉपुलेशन का ग्रुप जो होता है उसमें एक सेम एरिया और एक ही टाइम पे जितनी भी पापुलेशन होगी वो कम्युनिटी है जैसे कोई भी हम पार्क ले लेते हैं एक पार्क है उस पार्क में ग्रास होगी डिफरेंट प्लांट्स होंगे ट्रीज़ होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं कोई भी एनिमल्स हैं और उस पार्क में ह्यूमन बींगस भी हैं अब वो पूरी क्या होगी कम्यूनिटी होगी कम्यूनिटी क्या होता है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन नेक्स्ट लेवल है इको सिस्टम इको सिस्टम क्या होता है इंटरेक्शन बिटवीन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ये एको सिस्टम पूरा एक इंटरेक्शन होता है अब वो इंटरेक्शन कैसे होता है कि हम एक ले लेते हैं रिवर ले लें ले ले, या पाउंड कुछ भी ले लें यहाँ पे ग्रास होगी सन टैटपोल्स फिश स्नेल बैक्टीरिया वुड डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो एक क्या बनाती हैं इको सिस्टम बनाती हैं अब लास्ट लेवल इसका है बायोस्फीयर बायोस्फीयर क्या है ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोस्फीयर या हम ये भी कह सकते हैं कि ये अर्थ क्या है एक बायोस्फीयर है अब ज़रूरी नहीं है कि अर्थ बायोस्फीयर है इसके अलावा हम कोई भी प्लेनेट ले सकते हैं मार्स ले लें वो एक अपना बायोस्फीयर होगा ये एक पूरा पार्ट जो है अर्थ का वो क्या होगा बायोस्फीयर तो हम इसकी समरी इस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास एक सेल है एक सेल से टिश्यूज बनते हैं अब वो टिश्यूज़ कैसे हो सकते हैं नर्वस टिश्यू हमारे अंदर मसल टिश्यूज़ हैं और भी डिफरेंट ईश्यूज़ हैं अब वो टिश्यूज अब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं ऑर्गन बनाते हैं जैसे लिवर एक ऑर्गन है लंग्स एक ऑर्गन है और ब्रेन एक ऑर्गन है और जब ऑर्गन आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम ये पूरा सिस्टम क्या है एक ऑर्गन सिस्टम और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन करेगा तो वो बन जाएगा इंडिविजुअल अब इंडिविजुअल क्या होता है एक पूरा ह्यूमन बीन एक इंडिविजुअल है तो हम कह सकते हैं कि जो सेल है वो क्या है यूनिट है सेल किसका यूनिट है लाइफ का यूनिट है एक सेल से टिश्यू बनता है ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल मतलब तो हमारी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी है सेल से मिलके बनी है और हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं ट्रीलियंस ऑफ सेल्स तो हम क्या होंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे इसके अलावा और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे छोटे छोटे से बैक्टीरिया वायरस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक सेल भी होता है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो सेल है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है लेकिन एटम नॉन लिविंग में भी हो सकता है लिविंग किसी में भी हो सकता है लेकिन सेल प्लांट एनिमल ह्यूमन बीन हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूनिट क्या होगा सेल